मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मीरा रोड में सोमवार की देर रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। एक के बाद एक सात से भी ज़्यादा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। मीरा रोड के शांति गार्डन इलाके में एक खाली मैदान में गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक खड़ा हुआ था और अचानक ट्रक में आग लग गई और एक के बाद एक सात से भी ज़्यादा गैस सिलेंडर धमाके हुए। हादसा रात करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास में हुआ है। धमाके की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से इस पर काबू पाया। खबरों के मुताबिक इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। ये एक घंटे पहले ब्लास्ट चालू हुआ था और अभी कंसिस्टेंटली ये 10वां ब्लास्ट हुआ है अभी। आपको कैसे पता चला, कहाँ रहते आप यहाँ पर? हम यहाँ पे ही रहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में ही हम यहाँ पे खड़े थे और अचानक से वहाँ ब्लास्ट की आवाज़ आई और हम वहाँ देखने गए तो कंसिस्टेंटली ब्लास्ट चालू हो गया वहाँ पे। अभी भी चल रहा है यहाँ पर? हाँ, अभी भी चल रहा है, 10वां ब्लास्ट हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी विद इन 5 मिनट्स में आ गई थी, 5-10 मिनट्स में आ गई थी। कमलेश बोरी इधर का स्थानीय नगर सेवक है साहब, वो उसने दो मिनट में मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा इधर एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, खाली इतना ही बोल दिया मैदान पे। तो मैंने तुरंत इधर से, मेरे इधर से नज़दीक का फायर स्टेशन है सिल्वर पार्क फायर स्टेशन, वहाँ से गाड़ी भेज दिया। दो कम से कम 4 मिनट के अंदर इधर गाड़ी आ गई। तो इधर 2 ट्रक में फायर हुआ था, 2 ही ट्रक वो सिलेंडर से भरा हुआ था। तो ये आग का गहरा रूप इधर हमने देख के बाद हम सब फायर स्टेशन से गाड़ी मंगवाए हैं। 7 गाड़ी इधर आ गए हैं फायर का, फायर टेंडर वो होते हैं और दूसरा दो टैंकर आ गया और चारों बाजू से उधर फायर का फायर के ऊपर पानी का मारा कर दिया और आग कंट्रोल में आ गया। 95% सिलेंडर बचा दिया हमने और किसको भी ये दुखापत नहीं होने दी। वजह तो ऐसा लगता है कि कोई ये आग तो जानबूझ के लगा है, ऐसा लगता है मुझे।